नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी आज इस त्योहार पर अपनी छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन इस देश में एक प्रांत ऐसा भी है जहां भाई बहन के इस बड़े पर्व वाले दिन बच्चों को स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने सस्ते में एलपीजी का सिलेंडर का तोहफा दिया। योगी की सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस सर्विस की सौगात दी, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना का उपहार दे डाला। लेकिन एक तोहफा सुशासन वाले नीतीश बाबू ने भी दे दिया, और यह तोहफा है अब से बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होगी। इतना ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े त्योहार यानी छठ पर्व की छुट्टियों में भी कटौती की गई है, कैची चला दी गई है, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। व्यूअर्स, बीजेपी कह रही है कि संभव है कि भविष्य में बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लगा दी जाए। बीजेपी यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार, बिहार को मिनी पाकिस्तान मत बनाइए। तो दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखती है, क्योंकि बीजेपी धार्मिक उन्माद खड़ा करना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, छुट्टी पर सियासी घुट्टी। आज का आर पार इसी पर। रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन बिहार में सुशासन वाली नीतीश सरकार का एक फरमान आया। फरमान ये है कि अब स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज व्रत और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर बिहार में कोई छुट्टी नहीं होगी। इतना ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा की छुट्टियों पर भी कैची चला दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर भी रोक लग जाए। बिहार को बंगाल मत बनाइए, मिनी पाकिस्तान मत बनाइए। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निगाहें और कहीं पर इशारा है। ये खेल बंद होने चाहिए बिहार में, माहौल खराब कर रहे हैं। वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म मानने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अब इसी को तो तुष्टिकरण की राजनीति बोलेंगे ना भाई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये करते तो हैं ही, और जिस गठबंधन में है कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई वो लोग सिर्फ जाति, सांप्रदायिकता, इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग खेलने का ये लोग काम करते हैं। सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर उसकी छुट्टियों को कर आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। यहां तक कह दिया था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। सवाल है कि क्या रामचरितमानस से हिंदू त्योहार पर छुट्टियों तक जो कुछ हो रहा है वो सब तुष्टीकरण की चाल है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, छुट्टी पर सियासी घुट्टी। तो छुट्टी पर सियासी घुट्टी, और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं कि विश्लेषण क्या है आर पार का, तुष्टीकरण वाले सियासी पाठ का विश्लेषण। पहला पाठ, बिहार में रक्षाबंधन, तीज की छुट्टी खत्म, छठ पर्व की छुट्टियों पर भी कैची चली है। दिवाली से छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी थी, अब इस छुट्टी को आधे से भी कम कर दिया गया है, मात्र 4 दिन की कर दी गई है। यानी छठ पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है बिहार के अंदर। दिवाली से लेकर छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी होती थी, अब इसे घटाकर 4 दिन की कर दिया गया है। ये एक बड़ी कटौती है। दूसरा पाठ,
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सिलसिलेवार तरीके से रामचरितमानस को लगातार कोसा है। तीसरा पाठ जो तुष्टीकरण वाले सियासी पाठ का हिस्सा है। बिहार में सैकड़ों स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का सिस्टम पहले चल रहा था, जब एक्सपोजे हुआ तो इसको रोका गया। चौथा पाठ, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी दर्जनों स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का सिस्टम था, जब ये कहानी खुली विपक्ष ने हंगामा खड़ा करा तो इस छुट्टी को रोका गया। सोचिए। पांचवा पाठ, मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से जुड़ी घटना को हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश की गई, जबकि परिवार और आसपास के लोग इंकार करते रहे। अब खबर आ रही है कि पूरा पाकिस्तानी एजेंडा था। लेकिन आज मेरे साथ बड़ा सवाल क्या है, और बड़ा सवाल यह है, क्या तुष्टीकरण के लिए त्योहारों पर छुट्टियां कम की गई हैं? आज इस मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा में जाऊंगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको मैजिक स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सुब्रास्त्र है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है, और साथ ही साथ कॉलमिस्ट भी हैं। मेरे साथ आज एक और जानी मानी लेखिका है, महुआ माझी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जेएमएम की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, और जल्द इन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मैं पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे पूछता हूं, और सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि छठ की छुट्टी घटानी थी, दिवाली की 9 छुट्टियों पे कैंची चलानी थी, और चिराग पासवान, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, चिराग पासवान कह रहे हैं कि धर्म का खाट खेल रही है ये सरकार? देखिए रमेश जी, जो छुट्टी कम की गई है वो एक कारण से की गई है, और उसका शिक्षा से लेना देना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। धर्म से नजरिए के देखने के लिए तो क्या भाजपा में कम लोग हैं? गिरिराज सिंह है, विजय कुमार सिन्हा है, कई लोग हैं वहां पे, भरे पड़े हैं, और देश भर में पूरे उन्हीं का चाल चलता है। वो जिस हर कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव को वो तुष्टिकरण कहती है, और तुष्टिकरण का उनका मतलब क्या है कि उनको वो जो भी करें वो सारा काम धार्मिक उन्माद के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, केवल रिलीजियस एनिमोसिटी फैलाना उनका काम है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कोई काम किया जा रहा है तो उसको ये लोग तुष्टिकरण कहेंगे। ये कहेंगे मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं गिरिराज सिंह, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। गिरिराज जी, बिहार के कुछ त्योहारों पर स्कूल में छुट्टियां घटाई गई है, आरजेडी कह रही है, जेडीयू कह रही है कि धार्मिक उन्माद आप फैलाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार शरिया लागू करना चाहती है, यह आपका बड़ा बयान है, और क्यों आपने यह बयान दिया, यह सवाल है मेरा, इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। यह बड़ा बयान नहीं है। क्यों? यह तो ऑलरेडी आप लोग भले भुला जाते हैं या भुला करके भी दूसरों के मुंह से कहवाना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने नहीं दिखाया था कि कई जिलों के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां होती थी? यही तो सरिया कानून है, और सरिया कानून वहां पहले उन्होंने लागू करने की कोशिश की, विरोध हुआ, और उसी बिहार में PFI फुलवारी शरीफ में फलफूल रहा था, NIA ने उसका उजागर किया। लालू जी के समय सिम्मी फल फूल रहा था, आज भी बिहार में मुस्लिम आतंक, मुस्लिम मॉड्यूल फल फूल रहा है, और ये जो छुट्टियां 20 दिन छुट्टियां थी पूरे जन्माष्टमी से लेके दुर्गा पूजा से लेके छठ दीपावली सारे छुट्टियों को 20 दिन को घटा करके दिखाया है 7 दिन, लेकिन उसमें 2 दिन तो रविवार ही है, दिखाया है 7 दिन लेकिन उसमें 2 दिन तो रविवार ही। मेरा अगला सवाल है गिरिराज जी, मंत्री जी, मेरा अगला सवाल है, बिहार सरकार का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए कदम उठाया गया है, और आप इसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, क्या ये गलत बात नहीं है? बड़ी अच्छी बात है, जरा मुसलमानों का काट लें तब देखो। अब बच्चों को इतना ही एजुकेशन देना है तो उसके लिए और कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए कि हिंदू जातियों में विभक्त है, आप जातियों का विभक्त करके हिंदुओं के वोट को तोड़ करके और हिंदुओं पर प्रहार करेंगे,
और बिहार में शरिया कानून लागू करेंगे। ये शरिया कानून नहीं है तो और क्या है? इसका जवाब उनके पास है कि कितने जिले के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां होती है। ये नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि मुसलमान एक वोट बैंक है, लोगों को छिपा के कहने की आदत है, मैं साफ साफ बोलने की आदत है, वोट बैंक है, और हिंदू को जातियों में विभक्त करो और हिंदुओं पर चोट करो और वोट बैंक की राजनीति। ये बड़ा आरोप है। मैं प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा इस विषय को लेकर। बिहार में आपके विरोधी दलों का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का एंगल देती है और खोज रहती है, और खासतौर पर आप गिरिराज जी। ये मुद्दा है, ये आज का मुद्दा है। अगर बिहार में दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, ये कई और पूजाएं हैं, चित्रगुप्त पूजा, कई पूजा हैं जी, हम इसे मनाते रहे हैं पूरे साल में। 20 दिन की छुट्टियों को आपने 5 दिन कर दिया, 2 दिन तो रविवार उसमें जोड़ा हुआ है, तो आपके बीजेपी पर क्यों प्रहार करते हैं? सवाल है मेरा। बीजेपी तो आपके किए गए करतूत को उजागर कर रहा। लालू यादव, अब मेरा अगला सवाल है, लालू यादव मुंबई रवाना होते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी की नट्टी यानी गर्दन पर चढ़ने के लिए मुंबई जा रहे हैं। जवाब आपका गिरिराज जी। चलिए मैं इसका जवाब दूंगा कि नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, एक गरीब और पिछड़ों का नेता है, इन लोगों को पच नहीं रहा है, और इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बाद में देंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुक करता हूं जेडीयू के प्रवक्ता का, राजीव रंजन का। राजीव रंजन, वो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, इस शासन ने हिंदू मुसलमान कर दिया है, और अगर आपकी चली बीजेपी का यह आरोप है, ये मेरे शब्द नहीं है, आप मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राजीव जी। हेलो जी। राजीव जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? जी हाँ। देखिए, मैंने सुना अभी गिरिराज जी का पूरा संबोधन मैंने सुना है। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये इस तरीके का मसला है जिसको बहुत ही अपने अंदाज में, जो चुनाव सभाओं में जो बातें हम कहते हैं, वोटर को रिझाते हैं, जो हमारा एजेंडा है हिंदू मुसलमान करने का, उसके हिसाब से मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, गिरिराज जी वही चिर परिचित शैली में कर रहे थे, कुछ नया नहीं था। आप सब जानते हैं और इस पैनल के लोगों को पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों में 200 और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन की अनिवार्यता का प्रावधान करता है। आपको बच्चों को उतने दिन स्कूल्स में जाने हैं और जाना है, और वहाँ जा करके उन्हें क्लासेज अटेंड करना है। अब इसमें स्थितियां क्या है? लेकिन फैक्ट ये है ना, देखिए राजीव जी, मैंने आपकी आपके तर्क को सुना, मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। फैक्ट ये है कि आपने सब हिंदू त्योहारों में से ही तो छुट्टियां कम करी हैं, दूसरी तरफ की तो कोई छुट्टी नहीं कम हुई है। चलिए, मैं बीजेपी की बात को थोड़ी देर के लिए नहीं मानता, चिराग पासवान को नहीं मानता, आपके किसी विरोधी को नहीं मानता, लेकिन आप गिनाइए ना, आप गिनाइए आपने किस और त्योहार से छुट्टी कम करी। दिवाली और छठ की आपने 9 में से, सबसे पहली बात है मैं हिंदू बना मुसलमान, अमीश जी मैं हिंदू बस बना मुसलमान के बहस में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने छात्रों के हित में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके जो प्रावधान है उनका सम्मान किया है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, यहां के अनेक जिले बाढ़ के दायरे में होते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, स्कूल्स उस समय में नहीं चल पाते हैं, वहाँ परीक्षाओं का संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर के, त्योहारों को लेकर के, अनुष्ठान संबंधी आयोजन और प्राकृतिक आपदाएं, केवल बाढ़ ही नहीं, ठंड के मौसम में जब शीतलहरी का जब मौसम होता है तो उस समय भी स्कूल्स बंद होते हैं। अब सुन लीजिए अमीश जी, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, जी जी आपका भी समय बच जाएगा, मेरा भी। बोली बोली बोली, मैं जो कहना चाहता हूँ आप कह लीजिए। अब है क्या, देखिए, जो दीपावली से लेकर छठ के बीच अच्छा लगातार छुट्टियां थी, उनको कम करके छठ पूजा 19 और 20 नवंबर दिया गया है, और दीपावली 12 नवंबर को है,
चित्रगुप्त पूजा जिसको लेकर के बहुत चिंतित थे वो 15 नवंबर को है, ये सब अवकाश हैं बच्चों के लिए, और इसके साथ ही जो अनंत चतुर्दशी से लेकर के तमाम छुट्टियां हैं। आप पूरा कैलेंडर गिना रहे हैं, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, आपको आपने जो वक्त मांगा उससे भी ज्यादा वक्त दिया, आप पूरा कैलेंडर गिना रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है बिहार के, वो कहते हैं कि बच्चे जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पर स्कूल जाएंगे, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी बरकरार रहेगी। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आप छुट्टी बरकरार रखिए, एतराज नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर छुट्टी क्यों रद्द की गई है, ये उनका सवाल है और उनका उनका पॉइंट है। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर अजय आलोक, और मैं ये सवाल मैंने गिरिराज सिंह से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम तो बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य की बात है, क्या बीजेपी बच्चों के भविष्य के खिलाफ है? नहीं अमित जी, आपके माध्यम से मैं इस देश की जनता, बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, राजीव जी से पूछता हूं कि नीतीश जी 2005 से मुख्यमंत्री थे तो क्या आज तक नीतीश जी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे, और सरस्वती माता उनके सपने में आई और उन्होंने कल ये निर्णय ले लिया कि छुट्टियां कम कर देनी, इससे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, मतलब आज तक बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे बिहार में? कौन सा तर्क है ये भाई? छठ हमारी आस्था का विषय है, दुर्गा पूजा पूरा देश मनाता है, छठ इतना फैल चुका है कि बिहार से निकल के विश्व के हर जगह छठ होता है, उसकी महत्वता होती है, 4 दिन आदमी कोई काम नहीं करता है, क्राइम नहीं होता है, पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर कहीं भी एक क्रिमिनल अपराध करना छोड़ देता है, ऐसी मान्यता है छठ की, छठ की, उस छठ की पूजा में कटौती, दिवाली छोटी दिवाली बनती है, बड़ी दिवाली बनती है, अपने संस्कार, अपने सांस्कृतिक, मतलब अपने सांस्कृतिक को, संस्कृति को हम भूल जाएं, नहीं करें क्योंकि हमें स्कूल जाना है, या आज से स्कूल में ये छुट्टियां हो रही हैं, आजादी से 75 साल से आज तक हो रही है, सरस्वती भगवान कल, माँ कल ही लगता है सपने में आके बोल गई कि बिहार के बच्चों का भविष्य बनाओ, तुमने तो खराब कर दिया भाई, और इसलिए हमने छुट्टियां उठा दी, बहुत अच्छी बात है। 23 मार्च 2023 ये बिहार सरकार का ऑर्डर है, मेरा नहीं है, बिहार सरकार ने ऑर्डर दिया कि रोजा रमजान के दिन आधे दिन की छुट्टी कर दो, ऐसा सरकार को आपने कभी ऑर्डर देते हुए देखा है? आज तक नीतीश जी ने कभी ऐसा ऑर्डर दिया था 2005 से लेकर 2023 तक में? लेकिन 23 मार्च 2023 बिहार सरकार का सर्कुलर है, नालंदा जिला में लिखा हुआ और तमाम अन्य जिलों में कि रोजा रमजान के दिन दिक्कत नहीं हो नमाज पढ़ने में, आधे दिन की छुट्टी कर दो। ये क्या था? ये तुष्टिकरण नहीं था? अभी आपने कहा कि शुक्रवार को बिहार के कई जिलों में छुट्टी हो जाती है, रविवार को नहीं होती है। ये सच्चाई है? किशनगंज जिले में आधे से ज्यादा स्कूलों की ये सच्चाई है, अररिया में, पूर्णिया में, सीमावर्ती जिलों में, क्या ये सरकार को नहीं पता है? हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं आप, बंगाल का इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है, जैसे बंगाल में हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों में कि रामनवमी का, मतलब राजीव जी आपका गठबंधन आएगा तो बीजेपी कह रही है कि अब हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां भी कम कर देगा अगर कहीं देश में आ गया तो। देखिए, मुझे हैरत होती है, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में लंबे समय तक रही है, और उस समय उन्हें बिहार के विद्यालयों में छुट्टियों को लेकर के उनकी कभी चिंता नहीं रही। दरअसल है क्या, इनकी प्राथमिकताएँ बिल्कुल अलग है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म, जाति, संप्रदाय, ना रोटी पर बात करेंगे, ना रोजगार पर बात करेंगे, ना बच्चों के शिक्षा पर बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि छठ हम लोगों के घर में होता है, हमारी धर्म पत्नी करती है, 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और उन दोनों दिनों को छुट्टी स्वीकृत की गई है बच्चों के लिए। दीपावली जो मुख्य त्यौहार है वो 1 दिन होता है, उसकी छुट्टी दी गई है। भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की जो छुट्टी, अच्छा, रक्षाबंधन आज का है, रक्षाबंधन महत्वपूर्ण नहीं है, जन्माष्टमी पे क्यों छुट्टी काटी गई? जन्माष्टमी तो किसी त्योहार के साथ कौन साइड नहीं करता। दो, ये संतुलन साधना होगा आपको, तो संतुलन एक तरफा है ना राजीव जी, मैं तो आप प्रूफ दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए कि आपने संतुलन साधा है, आपने किस और त्योहार की छुट्टी कम करी है इनके अलावा, संतुलन बनाइए, कौन मना कर रहा है आपको संतुलन बनाने से? मैं अपनी बात कर लेता, लेकिन शिक्षा क्रांति अभी आएगी बिहार के अंदर और वो हिंदू त्योहारों की छुट्टी कम करके आएगी, ये सवाल उठाएगी चीजें, और बीजेपी चढ़ गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर आप पे पॉलिटिकली। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो आपका ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये तो पूरी तरह से एक केंद्रीय एक्ट है,
इस एक्ट में संशोधन करने की घोषणा करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है आपका, पॉइंट है। मैं ओके, मैं डॉक्टर अजय आलोक को बोलता हूँ, शार्प रिप्लाई डॉक्टर अजय आलोक, शार्प रिप्लाई, देन आई विल गो टू प्रोफेसर नवल किशोर, शार्प रिप्लाई 30 सेकंड्स। शिक्षा का अधिनियम का अधिकार जो ये कह रहे हैं 220, उसमें अगर उसी को सुधार करना था तो पहली बात कि 18 साल से अभी तक सुधार क्यों नहीं किया, और आज जब सुधार करने की जरूरत आपको जरूरत पड़ी, अचानक सरस्वती माता सपने में आके बोली कि बेटा सुधार करो, तो नीतीश बाबू को सिर्फ हिंदू त्यौहार दिखा। सैटरडे का स्कूल बढ़ा नहीं सकते थे, जो सैटरडे संडे छुट्टी कर देते हैं सैटरडे का स्कूल बढ़ा देते, सुधार नहीं होता। रोजा में आप मुसलमानों के लिए छुट्टी कर सकते हो, लेकिन हिंदू त्यौहारों में आप काटोगे, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप? ये ऐसा नीतीश जी नहीं करते थे, यह अभी क्यों हो रहा है? बिहार में आज तक क्यों नहीं हुआ 2005 से लेकर 2023 तक, अब क्यों हो रहा है? सवाल यह है। ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर, हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा हैं तो कटौती भी वही होगी, ये बयान दिया आपके मंत्री अशोक चौधरी के सिवाय कोई अशोक चौधरी ने। प्रोफेसर नवल किशोर, हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा है इसलिए कटौती भी वही होगी? नहीं, ये बात देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। आप देखिए ना कितने छुट्टी कितने धर्म में है, धर्म के आधार पे अगर छुट्टियों को गिनना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कितनी छुट्टियां हैं, और वो इसलिए देखना भी जरूरी है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अजय आलोक जी तो जब ये सब काम हो रहा था तब तो वहीं थे, वो भी जब ये बात बोलते हैं तो उनको विचार करना चाहिए कि आखिर इधर से बोल रहे हैं या उधर से बोल रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी पहल को या किसी कदम को उठाएंगे तो उसके सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। अगर गिरिराज सिंह जिनका बात आपने अभी दिखाया, वो तो तनाव के पोस्टर बॉय हैं, कोई भी धर्म के आधार पर जो 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 बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान में पटाखे। अभी पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो हिंदुस्तान में रहने की जरूरत है। मैं ओके ओके डॉक्टर अजय आलोक, हिंदू धर्म ये बड़ा बयान है, अशोक चौधरी कह रहे हैं हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा है तो कटौती तो वही होगी, ये तो ऑफिशियल स्टैंड है अब बिहार की सरकार का या फिर इस गठबंधन का। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म में छुट्टियां ज्यादा है तो कटौती वही होगी, इसमें हर्ष क्या है आपको अजय आलोक? देखिए ऐसा है कि ये आस्था का विषय है, ये लोगों की भावनाओं का विषय है, ये उस धर्म का विषय है जहां पे हिंदू इस देश में 80% बहुतायत के साथ रह रहा है और उसकी भावना और उसके सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। छठ मैया के साथ सिर्फ 2 दिन का कार्यक्रम होता है, खरना पढ़ना भूल गए, नहाए खाए भूल गए, क्या श्रद्धा के साथ होती है ये क्या श्रद्धा के साथ होती है? मैंने कहा अगर आपको दिन बढ़ाने थे आप सैटरडे को स्कूल कर देते ना, किसने मना किया था? सैटरडे को स्कूल क्यों नहीं किया आपने? छुट्टियां क्यों काटी, और भी हिंदू धर्म की छुट्टियां क्यों काटी? मैं कह रहा हूं रोजा रोजगार के समय आधा दिन की छुट्टी आप कर देते हैं मुसलमान शिक्षकों के लिए, क्या ये सही है? उस पर तो किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ये उनकी आस्था का विषय है। बिल्कुल, आज जब हिंदू अपनी आस्था के विषय पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ रहे हैं? नहीं तो नहीं, आपने बोला बिल्कुल सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। चलिए आपने रोजा इफ्तार पे आपने छुट्टी कर दी आधे दिन की, नवरात्रि के भी व्रत होते हैं तब भी छुट्टी कर दीजिए फिर आधे दिन की, तो सवाल तो कई सारे उठेंगे ना। और महुआ माझी क्या होते हैं नवरात्रा में? प्रोफेसर नवल किशोर, महुआ माझी जी को आने दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। महुआ जी, मेरा 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 बड़ा बहुत बेसिक सवाल है, आप एक महिला हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्या आपको लगता है कि पढ़ने लिखने के लिए अपनी संस्कृति के त्योहारों, अपने जो त्योहार होते हैं उनमें कम छुट्टियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी मुद्दे को धार्मिक जामा पहनाने वाले भाजपा से मेरा यही सवाल है कि 2014 से लेकर अब तक मुझे लगता है कि पूरे हिंदुत्व का ठेका भाजपा ने ले रखा है। इसके पहले 70 साल आप कहते हैं कि टीम इंडिया 70 साल तक रही और उन्होंने क्या किया, तो 70 सालों में ना ये तमाम जो छुट्टियां थी जिसके लिए आप कह रहे हैं कि उनमें कटौती हो रही है, वो तमाम छुट्टियां किसके कार्यकाल में की गई थी? निर्धारित सरकारी आदेश के अनुरूप जो छुट्टियां मिल रही थी इतने सालों तक, वो तो टीम इंडिया से ही किसी ने की थी ना। तो वो लोग अगर अभी जैसे इस बार पार्लियामेंट में हमने देखा कई सारे कानूनों को बदला गया, बहुत कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो उसमें कहा गया कि समय के अनुरूप हमें आगे सब कुछ बदलाव लाना होगा। बदलाव लाना पर धार्मिक त्योहार के आधार पर ही तो छुट्टियों की कटौती हुई है। दिवाली और छठ से बिहार में 9 से छुट्टी 4 हो गई है। टीम इंडिया में भी तमाम लोग
हर जाति धर्म के हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब जाति धर्म के लोग हैं, तो सभी को कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो सकता है इन छुट्टियों में कटौती से, और हम सभी चाहते हैं कि छुट्टियां मिले। लेकिन अभी जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो बातें कही गई हैं कि 200 दिन प्राथमिक विद्यालयों के लिए और 220 दिन अनिवार्य है पढ़ाई करना शिक्षा के अधिकार के तहत, तो उसमें अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है तो ये अंतिम फैसला नहीं है। ठीक है, सुब्रास्ता, सुब्रास्ता वांट्स टू रिप्लाई, सरकारी फैसला है जिसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। एकदम पहाड़ टूट के गिर गया, अगर कहीं पर लोगों को ऑब्जेक्शन है तो उसमें सरकार निश्चित रूप से बदलाव लाए। मैं भी मेरा तो आपसे यही सवाल था, क्योंकि मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आपकी सरकार भी फॉलो करेगी इस मॉडल को, आपकी सरकार भी फॉलो कर ले अगर इतना बेहतरीन मॉडल है तो। मेरी सरकार से ऐसी कोई बात हुई नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो अपने करियर को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, वैसे तो एक मॉडल झारखंड का भी था, वहां पे शुक्रवार को कुछ इलाकों में छुट्टी होने लग गई थी कि उनकी पढ़ाई भी बाधित, बिहार में भी कई इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी होने लग गई थी। लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं बोल रही, पर हुआ है, हो रहा है, हुआ है, हो रहा है। संवेदनशील मुद्दा, लेकिन हो रहा है, आप भी लोगों के शासनों में हो रहा है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। ओके ओके, मैं अब शुभराष्ट्रा का रुख करता हूँ। शुभराष्ट्रा, पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ी कैसे भाई? छुट्टियां तो तब भी बहुत होंगी, छठ की कितनी छुट्टी होती थी आपके स्कूल के अंदर? माफ करिए सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो मिशनरी स्कूल में पढ़ी, फिर भी वहाँ 4 दिनों की छुट्टी होती थी। मैं खुद व्रत करती हूँ छठ का, 4 दिनों की छुट्टी अगर ना हो तो उस घर में छठ पर्व मन ही नहीं सकता। कार्यकाल में ही दी गई थी ना, वो तो भाजपा के कार्यकाल में नहीं दी गई। किसी के बीच में नहीं बोली मौवा जी, लेट्स मौवा जी, अगर आपका टर्न खत्म हो गया हो तो मैं बोलना चाहूंगी। सुब्रास्ट्रा, तो आप कैसे पढ़ पाई फिर जी? छुट्टी तो ज्यादा रहती होगी, तो कैसे पढ़ पाई? भी पाई मैंने, स्कूल टॉप भी किया, तो आप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मैं तो टॉपर रही। ऐसा भी नहीं है कि हल्की फुल्की पढ़ाई करके आगे निकल गई हूँ। तो ये जो आज नीतीश कुमार जी, ये बात बहुत अच्छा सवाल किसी ने उठाया कि 2005 से मुख्यमंत्री हैं, ये अचानक से उनके दिव्य चक्षु कैसे खुले कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत असर पड़ रहा है? असर पड़ भी रहा है, तो आप संडे की छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, जितने त्यौहार हैं उन त्योहारों को मनाने के लिए छुट्टियां दीजिए और फिर संडे की छुट्टी कैंसिल कीजिए। लेकिन आमिश जी, ये बात पढ़ाई और राइट टू एजुकेशन इन बड़े बड़े मुद्दों का है ही नहीं, ये बात एक बहुत छोटे से मुद्दे की है, जिस छोटे मुद्दे को लेकर के बिहार में राजनीति होगी और आगे बहुत तीखी राजनीति होगी, और वो मुद्दा है कि बहुसंख्यक समाज को नकार करके, बहुसंख्यक समाज को उकसा करके, अल्पसंख्यक समाज, और अल्पसंख्यक समाज में भी केवल एक समाज, उसको प्रश्रय देना, और उसको अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो सर पे चढ़ाना। अब ये अल्पसंख्यक समाज कौन है, उनके जो नुमाइंदे होंगे वो सबसे ज्यादा पैनल में उछलेंगे। नहीं तो आप बताइए ना मुझे कि अगर इतना ही शौक है नीतीश कुमार को कि वो शिक्षा की के गुणवत्ता और शिक्षा के महत्व पर ही बात करना चाहते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी के अलावा, जो पॉलिसीज कर्पूरी ठाकुर जी ने लाई उनके अलावा, नीतीश कुमार जी ने ऐसा नया क्या किया शिक्षा में क्रांति लाने के लिए? जी, इट वॉज प्रोफेसर नवल किशोर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर मॉडल, प्रोफेसर नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई। दूसरी चीज जी, एक जी जी, वो रिप्लाई करेंगे, मैं देखिए अमीश जी, उनका रिप्लाई आ जाए फिर सुब्रास्ट्रा आप कह लीजिएगा, वो 30 सेकंड बोल ले, ही वांट्स अ शार्प रिप्लाई। ओके प्रोफेसर नवल किशोर, 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि भाजपा जब से शासन में आई है इस देश में एक ज्ञान बांट रही है कि लोकतंत्र का मतलब है बहुसंख्यकवाद। ये इतना घटिया परिभाषा है और किसी भी राजनीति शास्त्र के किताब में नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद है। केवल संख्या होने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक धर्म के लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब नहीं है कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो उनके अधीन रहेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगी, जो माइनॉरिटी राइट्स है पर बहस लगातार चल रही है, संविधान देता है, पता नहीं है कौन, पता नहीं है कौन सा ज्ञान मिला है और कहां से मिला है, ये बता, क्या जवाब होगा इसका? आप बताइए कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटेरियनिज्म होता है? कान पक गए हैं बहुसंख्यकवाद नाम का शब्द सुन सुन करके, मैं पक गई हूँ ये सुन सुन करके, क्योंकि मुझे आप बताइए ना, जो लोग बहुसंख्यकवाद शब्द का इजाद करके मेजोरिटी के विल को, जो लोग, मैं शांति से बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात को अगर बार बार लूप पे रिपीट किया जाएगा, उसी चीज को लेकर के समय नाश किया जाएगा, तो ये गलत है आमिर जी।
बहुसंख्यक वाद एक ऐसा टर्म इजाद किया गया है और वो टर्म इजाद किया गया है कुछ लेफ्टिस्टों के द्वारा, कुछ लिबरल्स के द्वारा और आज हमारे देश के समाजवादियों के द्वारा, जो आज अपनी और आज डेमोक्रेसी में अपनी साख खो चुके हैं। आप मुझे बताइए आमिश जी, अगर इस लोकतंत्र में बहुसंख्या के आधार पर हमारे मतों का विभाजन न हो तो आप बताइए ना, क्या आरजेडी छोड़ने को तैयार? जो अल्पसंख्यक में उनको बिठा दीजिए, जो आप वोट दिया आपने बहुसंख्यक वाद के एक बार संविधान पढ़ लीजिए सुभाषा जी, फिर से पढ़िए तो वो फिर से पढ़िए एक बार संविधान और देखिए कि माइनॉरिटी राइट्स के विषय में क्या कहा गया है। क्या क्या आने दीजिए, आपका संविधान नहीं है, संघ के विधान से आप काम करते हैं, आप वही बात करते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है व्यूअर्स, अगर आपको मैं संक्षेप में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब जो है वो बहुसंख्यकवाद तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा जी, लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब अल्पसंख्यकवाद भी नहीं हो सकता। इस देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि संस्थानों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, याद करिए। यह भी नहीं हो सकता इस देश के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात कर रहा हूं, और यह भी नहीं हो सकता कि सेक्युलरिज्म के चश्मे के अंदर आप एक धर्म को टारगेट कर दें। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बड़ी खबर पे लौट रहा हूं, देख रहे हैं आर पार। नाम की महिला वकील को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि देशद्रोह के मामले में उन्हें जमानत मिली थी, और रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा किया गया था, लेकिन रिहाई के करीब 3 घंटे बाद ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर इस्लामाबाद की जेल में भेज दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ईमान मजारी पर इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच पूरी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील ईमान मजारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेहद करीबी मानी जाती है। इमरान के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने लगातार शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद में 19 अगस्त को हुई एक रैली के बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की अटक जेल में बंद इमरान खान को मिल रही सुविधाओं पर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। जेल में इमरान को मिल रही सुविधाओं की जानकारी अटक जेल के अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट में सामने आई, जबकि इमरान खान के वकील शुरुआत से ही आरोप लगाते आए थे कि अटक जेल में इमरान को जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी गई, लेकिन जेल प्रशासन ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में जो ब्यौरा दिया उससे सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अटक जेल में इमरान की मांग पर एक शानदार बिस्तर, कुर्सी और एक एयर कूलर तक दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने सेल में कुरान, किताबें और अखबार दिए जाने की डिमांड भी की थी, जो पूरी हो गई। साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन्हें जेल का खाना नहीं बल्कि देसी घी में पका मीट दिया जाने लगा। मतलब इमरान खान को अटक जेल में वो सारी सुविधाएं दी जाने लगी जिनकी उन्होंने मांग की थी। इससे पहले इमरान के घर वालों ने उन्हें जहर दिए जाने की आशंका जताते हुए घर से खाना भेजने की इजाजत भी मांगी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर घात लगाकर गोलीबारी की, जिससे उन्हें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। वहां के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हमले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिणी जिलों में बीते कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें कई पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इससे पहले 20 अगस्त को भी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में भारी बारिश और तूफान ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां की नदियों में उफान आ गया और कई इलाकों में रेल सेवा ठप हो गई। वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वहां की नदियों में बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। बिजली की रफ्तार से बहता नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकलने को बेताब दिखा, और ऐसा लगा मानो वो उफनती नदियां सब कुछ निकलने पर आमादा हों। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। हालात बिगड़ते देख कई इलाकों को खाली करवा लिया गया और वहां की रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया। इटली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से बेहाल हो गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसता नजर आया और उसके बीच रेस्क्यू टीम लोगों को वहां से निकालती दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में घर के बाहर मलबे का ढेर लगा नजर आया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां पत्थरों की बारिश हो गई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां की सड़कों पर मटमैला पानी बहता दिखा। भारी बारिश के बाद वहां हर तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया और उसी पानी के बीच से होकर एक गाड़ी जोखिम भरा सफर करती दिखी। इटली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से घटनाओं की वजह से कोहराम मच गया।
क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह बंद करने पड़ गए तो कई इलाकों से तो सड़कें ही गायब होंगी। भूकंप के जोरदार झटकों से इंडोनेशिया की धरती कांप गई, जिसके बाद वहां के लोग खौफ से भर गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता 7 बताई गई, जिसके बाद वहां के प्रांत बाली में दहशत फैल गई। भूकंप इतना जोरदार था कि सब कुछ हिलने लगा, कई जगह पर सामान बिखरा भी नजर आया, लोग अपने घरों से भागते दिखे, जो जहां था वहां से जान बचाने के लिए भागने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए, दफ्तर हो, दुकान, मॉल या एयरपोर्ट, सब जगह से लोग निकलकर बाहर की तरफ खुले में आ गए, जिसके बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोग डरे सहमे नजर आए। भूकंप की तीव्रता नापने वाली एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में रहा, जिसकी वजह से सुनामी का कोई खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूपी पुलिस ने वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया कि वहां की एक महिला वकील पर दर्ज मुकदमे के विरोध में वकीलों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक उसने वकीलों को समझाने और जाम खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों को तितर बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया और पुलिस ने वकीलों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन पर जमकर डंडे बरसाए गए। इस दौरान महिला वकीलों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई। इस दौरान एक वकील भागते हुए गड्ढे में गिर गया, लेकिन पुलिस के डंडे उस दौरान भी उस पर बरसते रहे और उसे बचाने की कोशिश करती दिखी एक महिला वकील को भी पुलिस कर्मियों ने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि ये पूरा मामला वहां की एक महिला वकील पर केस दर्ज होने से जुड़ा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी महिला वकील एक पुलिस कर्मी के नाम वाले बैज को वर्दी से उखाड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। पाकिस्तान सरकार के बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रातों रात लिए गए इस फैसले के बाद वहां की जनता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। इस दौरान जब वहां की बिजली कंपनियों ने बिल का भुगतान न करने वालों के घरों से मीटर हटाने की कोशिश की तो वहां हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से सामने आए एक वीडियो में तो बाकायदा एक मस्जिद से यह ऐलान तक किया गया कि वहां के लोगों को बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं, और ये धमकी भी दी गई कि अगर बिजली कंपनियों ने मनमाना बिल वसूलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। मीरपुर से सामने आए इस वीडियो में वहां की एक मस्जिद में लोगों से महंगे बिल न भरने की अपील की गई। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिलदार वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस दौरान ये धमकी भी दी गई कि अगर वहां रहने वाले एक भी शख्स के घर की बिजली काटी गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। मस्जिद से ये भरोसा भी दिया गया कि अगर किसी के घर की बिजली काटी गई तो उसे दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी भी मस्जिद एसोसिएशन की होगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के बिलों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका बोझ वहां की जनता के कंधों पर आ गया। पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। कराची, पेशावर और लाहौर जैसे इलाकों में तो लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो इतने महंगे बिलों का भुगतान नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आए कई वीडियो में लोग महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहां से आए एक वीडियो में तो कुछ लोगों ने बिजली विभाग की एक गाड़ी को ही घेर लिया। इसके अलावा वहां की मस्जिदों से पाकिस्तान की सरकार को भी जमकर कोसा गया। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक बिजली के दाम बढ़ाए जाने से वहां हंगामा मच गया और लाखों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। वहां हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों ने महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर खुदकुशी करने की धमकी देनी तक शुरू कर दी। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी महंगे बिजली बिल से तंग आकर रेल की पटरी पर जान देने के इरादे से खड़ा नजर आया और उसने इसके पीछे की वजह अपने नाम पर आए हजारों के बिजली के बिल को बताया। यही नहीं, वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो कुछ लोग पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अंग्रेजों के शासन से भी बदतर बताते नजर आए। वहां की सरकार ने अचानक बिजली के दाम में 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम शहरों में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी तो महज ट्रेलर है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान की सरकार जल्दी वहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी भारी इजाफा करने वाली है। मतलब पहले से करा रही पाकिस्तान की जनता पर अभी महंगाई का डबल अटैक होना बाकी है।
क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने आशंका जताई कि पाकिस्तान में जल्द ही पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी बल्कि अनुमान के मुताबिक वहाँ पेट्रोल का दाम करीब 10 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान की जनता अब बिजली के बाद पेट्रोल की वजह से खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के मीडिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला भी सरकार जल्द ही सुना देगी। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान अपने खाली खजाने को भरने के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है ताकि वो खुद को कंगाल होने से बचा सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई। मिलने के कुछ ही मिनटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सीक्रेट दस्तावेज चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। मतलब इमरान खान की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 22 दिनों से वो तोशाखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान की अटक जेल में बंद थे। हालांकि इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इमरान खान को जमानत दे दी, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेजों की चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इमरान खान पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार की सीक्रेट जानकारियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था और सबूत के तौर पर इमरान खान ने अपनी रैली में उन सीक्रेट दस्तावेजों को भी दिखाया था, जिसे देशद्रोह करार देते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आरपार न्यूज 18 इंडिया पर और मेरे पास इस समय प्यू रिसर्च की एक बहुत बड़ी जानकारी है देश की जनता के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बहुसंख्यकवाद पर अब थोड़ी देर पहले जो बोला है वो भी बताऊंगा, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट में 55% भारतीयों का पीएम मोदी पर बहुत ज्यादा भरोसा है और अराउंड 79% लोगों की पीएम मोदी के पक्ष में रेटिंग है। 10 में से 8 भारतीय युवा पीएम मोदी के पक्ष में है। 68% भारतीय युवा मानते हैं कि दुनिया में भारत का प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। ये आपके सामने सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। 10 में से 8 भारतीय युवा पीएम मोदी के पक्ष में है। 68% भारतीय युवा मानते हैं कि दुनिया में मोदी की वजह से भारत का प्रभाव बढ़ गया है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ शुभ्राष्ट्रा है, मेरे साथ इसके अलावा मेरे साथ जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजीव रंजन है, प्रोफेसर नवल किशोर है। अजय आलोक, आप तो बहुसंख्यक बात कर रहे हैं, तो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ये आंकड़े क्यों दे रही है? पहली बात, भारत में कभी भी बहुसंख्यावाद हुआ ही नहीं, ना कभी हो पाएगा, क्योंकि ये देश सबको लेके चलता है। लेकिन अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कौन करता है, इसका तो नंगा खेल आप सामने देख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ये ऑर्डर निकालना, किसी राज्य सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बना था किसने ये ऑर्डर निकाला कि रोजा रमजान के दिन आधा दिन छुट्टी रहेगी, ये आंध्र प्रदेश के बाद बिहार था। 18 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया, लेकिन जब से नाज कुमार बने तो 2023 में कर दिया। तो ले जाइए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ। इसी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, हमको कहते हैं बहुसंख्यकवाद कर रहे हैं। अगर बहुसंख्यकवाद कर रहे होते ना, तो आप जैसे लोग की जगह नहीं होती। अगर भारत बहुसंख्यकवाद करता तो फिर आप जैसे लोग होते ही नहीं यहां पे। यही बात जरा जाके पाकिस्तान में कहिए तो, या बांग्लादेश में, कि बहुसंख्यकवाद आप लोग कर रहे हैं। हम अल्पसंख्यकवाद की बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान पता चल जाएगा कि कितने सेक्युलर। अजय आलोक, मेरा काउंटर सवाल है, हम बांग्लादेश कह रहे हैं, सवाल बोले यहां देखें कि बहुसंख्यकवाद किसको कहते हैं। ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, आपने बोला बहुसंख्यकवाद हो रहा है, लेकिन यहां तो अल्पसंख्यकवाद हो रहा है। बहुसंख्यकवाद नहीं हो रहा, अल्पसंख्यकवाद हो रहा है। हिंदू त्योहारों की छुट्टी काटी जा रही है। नहीं देखिए भारत कभी बहुसंख्यक, शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, जुम्मे की छुट्टी हो रही है, कभी नहीं कर सकता। लेकिन और मिडिल ईस्ट के दो देशों में जुम्मे की छुट्टी से सैटरडे संडे की छुट्टी हो रही है। करतूतों के आधार पर यह काम दिखाया है। सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि न भारत और न भारतीय संविधान कभी भी बहुसंख्यकवाद का प्रतिवादन नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने करकूतों के माध्यम से, आप देखिए
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनी हुई सरकार जो है वो सबसे शक्तिशाली है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये बहुसंख्यकवाद नहीं था तो क्या था? आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सर वो जो ईडी है उसका इलीगल है, उसका अपॉइंटमेंट इलीगल है, 31 जुलाई के बाद नहीं हो सकता है, बहुसंख्यकवाद पूरा राष्ट्र का सुरक्षा लेकर वो चले जाते हैं। पर वही सुप्रीम कोर्ट ईडी, वही सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके आगे, यही सुप्रीम कोर्ट के इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला का मंदिर बनता है, इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो रामलला का मंदिर बना ना। कंप्लीट हाँ बता देते हैं, कंप्लीट करने दे। मैं कह रहा हूँ कि वही बात है ना कि पूरे संविधान के आधार पे जो लोकसभा चलती है उसमें 71% जो है बिना विमर्श के या बिना विवाद बिना बातचीत के वो पास हो जाता है। ये बहुसंख्यक बात नहीं है तो 3 कृषि कानून कैसे पारित हुए जिसको एक साल तक किसानों को परेशान करके डॉक्टर अजयलो 30 सेकंड रिप्लाई वो नहीं था तो क्या था, उसको भेजना चाहिए था। अरे ये जो इतनी देर से बोल रहे हैं बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यकवाद और संविधान की बातें कर रहे हैं, जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि हमारे संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द कब डाला गया और क्या वो बहुसंख्यकवाद था या अल्पसंख्यक तुष्टिकरण था, क्या था ये? शैबानो केस में खुलेआम महिला सम्मान करने की चिंता करते हुए एक कानून को पलट दिया गया, ये बहुसंख्यकवाद था या अल्पसंख्यकवाद था, क्या था ये? अरे हद होती है मुसलमान परस्ती करने की, कम से कम अपने देवी देवताओं की तो इज्जत कर लो। अगर राजनीति अपने जगह चलती रहेगी, लालू जी के यहाँ भी छठ होती है, लालू जी के यहाँ छठ करते हैं, दशहरा मनाया जाता है, कलश का स्थापना होता है, अरे लालू जी 9 दिन तक काम करने के लिए तो आरे इस देश में हिंदुओं की भावनाओं को पहुंचाने का ठेका आप लोगों ने ले लिया ताकि मुसलमान खुश रहे। अगर यही मोटो से राजनीति करनी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है करिए, नहीं अगर अजय लोग बकवास कर रहे हैं नहीं इस देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका लिया हुआ क्या आप लोगों ने? कोई सरकार इस तरह का इलॉजिकल निर्णय कर कैसे? प्रोफेसर साहब आप तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, आप कह रहे अजय लोग बकवास कर रहे हैं, ये शब्द सही नहीं है, मेरा निवेदन है मर्यादित बात रखी जाए। नहीं नहीं मैं बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर वो वही काम करेंगे तो उसको क्या कहा जाए? बकवास तो कोई बेकार शब्द नहीं है, किसी प्रचलन को किसी आचार व्यवहार का तो नाम ही है ना वो, अगर वो उनसे कहा जाएगा उनको ये नहीं मालूम है कि संविधान आपकी राय में बकवास सही शब्द है, लोग बैठे थे पूरा रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सारा रिकॉर्ड है, कोई नाराज सेकुलरिज्म वर्ड क्यों नहीं जोड़ा गया? ओके और डॉक्टर अजय आलोक बात कहा गया, ठीक है डॉक्टर अजय आलोक। देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है अमित जी, ये सब कुछ किया जा रहा है अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए और जानबूझ के हिंदुओं को अपमानित करने की ये सोची समझी साजिश और एक घिनौनी राजनीति का हिस्सा है। ओके ये इसी तरह की हरकतें करेंगे ताकि मुसलमान इनसे खुश रहे, कहते हैं तुष्टिकरण की प्रकाशता है, बिहार में ऐसा ही होता है, विपक्ष तुष्टिकरण करना चाहता है और बीजेपी पे आरोप लगाता है कि वो बहुसंख्यकवाद यानी हिंदुत्व और हिंदुओं को तरजीह देते हैं। जवाब इस पर देन शुभ राष्ट्र एंड देन राजीव जी। करण की बात बार बार कही जा रही है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? क्या केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो वहां पर सैनिक भेजकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है? हमारे देश का ये हिस्सा है क्योंकि वहां 2 समुदाय है, हिंदू है ईसाई है, वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति देखने जाइए, क्यों नहीं देखते आप लोग? 5 महीने से देश का एक हिस्सा चल रहा है उस पर तो आप बात नहीं करते, आप एक छोटे से मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं कि छुट्टी मिली कि नहीं मिली, आप खाली धर्म की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको तुष्टिकरण की बात करनी है तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? मैं खुद उस डेलीगेशन में थी, मैं मणिपुर गई थी, दोनों समुदाय के लोग उससे परेशान है, लेकिन सरकार केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि वहां पर शांति की बहाली हो क्योंकि एक समुदाय एक हिंदू समुदाय उससे नाराज हो जाएगा, ये साफ साफ वहां दिख रहा है। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है कि तुष्टिकरण की राजनीति, ठीक है। शुभ राष्ट्रा बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, तुष्टिकरण दूसरी तरफ का भी होता है और ये तो बड़ा छोटा विषय है, इसको इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? तो जिसको लगता है कि बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए वो इसका बीच का रास्ता निकाले, वो रविवार की छुट्टियां कैंसिल करें
और जो मैंने सुझाव दिया उस पर अमल किया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें ना तो किसी की छुट्टी के साथ गड़बड़ होगी और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, ये पूरा का पूरा मामला किसी एक कम्युनिटी को प्रश्रय देने से ज्यादा, फिर आप भी तो बहुसंख्यक बात कर रही हैं। और आप देखिए आमिश जी, मैं अगर आप इसका विरोध कर रही हैं, और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बहुसंख्यक वाद नाम का शब्द जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से ये एक नया ड्रामा शुरू हुआ है विपक्ष का कि डेमोक्रेटिक मैंडेट को बहुसंख्यक वाद नाम देकर के उसको नकारा जाए। और ये ट्रेंड सिर्फ यहां हुआ है, ऐसा नहीं है, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स जहां जहां पर भी हावी होना शुरू हुई है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में मेजोरिटेरियनिज्म नाम का एक 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 तुर्रा छोड़ा जा रहा है कि उससे आप जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसके मैंडेट को हटाया जाए, और उसके एवज में एक शब्द लाया गया है कंसेंसस डेमोक्रेसी। अब आप बताइए ना आमिश जी, कि कंसेंसस डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पुरोधा ये जो सारे विरोधी एक साथ खड़े हुए हैं आज मोदी विरोध में, क्या वो अपने आप में कंसेंसस बना पाए कि ये कंसेंसस डेमोक्रेसी की बात? जी जी, जवाब 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 ले लेते हैं। तो प्रोफेसर लवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई, राजीव रंजन वांट्स टू रिप्लाई, देश की जनता को इन बौद्धिक लफाजियों से बचना है, बौद्धिक लपाड़ियों से बचना है। शुभ्राष्ट्रा कह रही है बौद्धिक लपाड़ियों से बचना चाहिए। राजीव जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के पहले अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता इस देश को दिए हैं। विज्ञान तकनीक जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, हमारे बच्चों ने सफलता के परचम लहराए और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। और जहां तक अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद, मैं तो मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भोपाल मोदी जी की रैली याद कर लेनी चाहिए। 10,000 बुरके वहाँ एक ही स्टोर से खरीदे गए थे और नॉन मुस्लिम्स महिलाओं को पहना करके उस गैलरी की तरफ कैमरे बार बार दिखाए जाते थे। दूसरी तरफ इतिहास का इतना ज्यादा बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी की रैली में गैर मुस्लिम लोगों को बुरके पहना दिए गए, कोई आपसे प्रूफ मांगेगा इसका फिर? बिल्कुल। और ये भोपाल की रैली की, भोपाल की रैली, आप अमीश देवगन जी उस समय बाजाप्ता इस समाचार की दुनिया में थे, और आप जाइएगा आर्काइव में, ये आरोप काफी गंभीर आरोप लगे थे लोगों ने। ठीक है, उस शॉप का वो रिसीट शेयर किया। अब आरोपों की बात करेंगे तो आपके आपके नेता ललन सिंह पे आरोप ये बीजेपी वालों ने लगा दिया था, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। उन्होंने उन्होंने मीट की जगह कुत्ते का मांस खिला दिया था, अब वो तो आरोप की तो कोई बात ही नहीं है। अवसर दिया और मेरी बात आप सुन भी नहीं रहे। आपका बिल्कुल आपका समय है सर। मैं तो यही कहूंगा कि अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद ये किसी से भी वोटों की सियासत के लिए जी, आज 370 की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती तो 370 के सख्त खिलाफ थी, उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई। सही बात है, एंट्री में आज वो आपके साथ है। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक शार्प रिप्लाई, 10 सेकंड, 10 सेकंड में शार्प रिप्लाई, डॉक्टर अजय आलोक 10 सेकंड। मुस्लिम लीग के साथ मुझे सरकार बनाई, मुझे बौद्धिक दिवालियापन देख के मुझे कुछ नहीं कहना है कि मोदी जी की रैली के लिए 10,000 बुरके खरीदे गए। आरोप लगाए, बातें करते हैं और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी पे आरोप भी लगाते हैं, सारा काम कर रहे हैं मुस्लिम हैं। एक बार बताइए, मुल्ला मुलायम तो हम लोगों ने बहुत सुना था कि मुलायम सिंह यादव ने जब कारसेवकों पे गोलियां चलाई थी तो उनको मुल्ला मुलायम कहने लगे, तो नीतीश कुमार जी का नया नामकरण कर दीजिए, नाश कुमार से मौलाना नीतीश कुमार बुलाना शुरू कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, उनको आत्मा को शांति मिलेगी? ये अजय आलोक आप कह रहे हैं मौलाना नीतीश कुमार बुलाइए, ये लोग कुछ सुन नहीं रहे तो इनको तो यही बोलना पड़ेगा मौलाना नीतीश कुमार बुलाया जाए, छठ पूजा करना छोड़ दें, क्यों अपने घर में पूजा करवाते हैं छठ की, अभी तक छठ पूजा करना छोड़ देंगे। बीजेपी कह रही है कि अब नीतीश कुमार का नया नाम हो गया। ओके जवाब जवाब राजीव जी जवाब राजीव जी जवाब दल बदलने के साथ इस तरीके का के तेवर, ये तो समझ से परे है, इतना सम्मान तो रखिए। तेवर दल बदलने से नहीं, 18 साल में क्यों नहीं किया ये काम जो आज किया है, मौलाना नाश कुमार नाम कर ले अपना। नहीं नहीं नहीं, अपनी बात कहिए ना, कितनी बार नीतीश जी के लिए कितने, अरे अपनी बात कर रहा हूँ, 18 साल में नीतीश ने क्यों नहीं किया ये काम? वो दौर याद कर लीजिए, 18 साल में नीतीश ने ये काम क्यों नहीं किया, 15-17 गठबंधन में थे तब भी क्यों नहीं किया, ये आज क्यों कर रहे हैं? ये विभत्स तरीका है बहस। अरे मेरी शब्दावली कोई विकृत नहीं है, मैं आईना दिखा रहा हूँ, आपको मिर्ची लग रही है, नसीहत दे दी, डिफेंड आप कर नहीं पा रहे, तर्क आपके पास है नहीं, कभी 10,000 बुरके पे पहुंच जाते हैं,
कभी कुछ पहुंच जाते हैं। मौलाना नाज़ कुमार बोलिए इतना नाम रखे में असेंबली के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, अरे असेंबली के तीन इलेक्शन ठीक है इतिहास में रह गए ना। बोलते के एक सुभाषता आपने एक शब्द बोला, मुझे लोगों ने सोशल मीडिया में बोला कि सुभाषता जी से पूछिए ये बौद्धिक लपाड़िया है कौन, व्हाट इज दिस शब्द, व्हाट इज दिस वर्ड, बौद्धिक लफाजी। लफाजी वो होता है कि आप बड़े बड़े शब्दों से जनता को बौद्धिक रूप से आतंक में डाल दें कि अरे ये तो नया तुर्रम खां आ गया कोई। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है भाई, मेजोरिटेरियनिज्म ठीक है, मैं देखिए मैं प्रोफेसर साहब से जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर साहब, बौद्धिक लपाड़ियापन हो रहा है आजकल, सुभाषता कह रही है बौद्धिक लपाड़ियापन। नहीं नहीं, ये तो सुभाषता जी को बताना चाहिए ना, ये भी उसी परंपरा से आती है ना कि हार्डवर्ड को हार्डवर्क से हार्डवर्क को ज्यादा अच्छा मानती हैं, हार्डवर्क को कम मानती हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि बुद्धिजीवी क्या होता है, इंटेलेक्चुअलिज्म क्या हो जाता है, हो आपके वो सब पास या उनको पता करना चाहिए कि हार्डवर्क में क्या और हार्डवर्क में क्या है। 18 घंटे हार्डवर्क का पर्दा देख गया मोदी जी का, 18 घंटा काम करना पिछले 10 साल में दिख गया कि 20 करोड़ नौकरी दे दिए, 15 लाख रुपए दे दिए वो जी जी। और अब व्यूअर्स, और अब वक्त है, और अब बात सेकुलरिज्म के एक तरफा एजेंडे की, नैरेटिव। इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से एक वीडियो आपने टीवी या सोशल मीडिया पर एक बार नहीं कई बार देखा होगा। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां एक टीचर पर आरोप है कि उसने धर्म के आधार पर एक मुसलमान बच्चे की हिंदू बच्चों से पिटाई कराई। और दूसरा वीडियो है जम्मू के कठुआ का, जहां एक स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पर जय सिया राम लिखा था तो उसके टीचर फारूक ने इतना बुरा लगा उसे, उसने उस स्टूडेंट को पीट पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन सिलेक्टिव शोर शराबा करने वालों की महिमा देखिए भैया, महिमा अपरंपरार कहते हैं ना। उन्होंने मुजफ्फरनगर की उस घटना का रिकॉर्ड इतना घिसा कि उस शोर में पिटाई खाने वाले बच्चे के पिता का बयान दब गया। आरोपी टीचर से पड़े कुछ पुराने मुस्लिम छात्रों की गवाही भी धूमिल हो गई, और आधे सच ने चंद्रयान से तेज रफ्तार में सेकुलर ब्रिगेड के बनाए गए एक नए प्रोपेगेंडे वाले इकोसिस्टम के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दिव्यांग महिला टीचर महज कुछ ही घंटों में ना सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि उन पर क्रूर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया गया। इस देश में नौबत उस टीचर की गिरफ्तारी तक पहुंच गई। स्कूल में उस बच्चे के साथ साथ जो हुआ उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस केस में पुलिस कह चुकी है कि इसमें कोई कॉम्युनल एंगल यानी हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 25 हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, मॉल ठीक है यहाँ का। ऐसी करके भी वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिला है जो अपने मायके चली जाती है, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ये बात अच्छी है। जी जी, तुम्हारी वीडियो को किसी ने पढ़ा आगे बढ़ा जी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं 2006 से लेके तकरीबन 11-12 तक मैं उनके पास में पढ़ा हूँ, 5-6 साल पढ़ा मैं उनके पास। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, मेरा भाई भी था, मेरी बहन भी पढ़ी उनके पास में, और भी मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे उन्होंने भी पढ़ा। जो आंकड़े बताते हैं कि 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट तृप्ता त्यागी के साथ 1100 पोस्ट पाकिस्तान से हुए। इन पोस्ट को 176,000 लाइक्स मिले और कुल 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इन पोस्ट को सोशल मीडिया पर देखा। अब सोचिए एक केस मुजफ्फरनगर का, जहां घटना से जुड़ा हर व्यक्ति स्कूल में छात्र की पिटाई को हिंदू मुसलमान मानने से इंकार कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर एजेंडाधारी लॉबी पूरे तन मन धन से पाकिस्तान के साथ इसे धार्मिक एंगल के को देने में जुटी थी। लेकिन यह लॉबी कठुआ की बात नहीं करेगी, ये आपको बिल्कुल नहीं बताएगी कि कठुआ में एक स्टूडेंट को उसके टीचर ने इसलिए पीट पीट कर अधमरा कर दिया क्योंकि उसने बोर्ड पर राम का नाम लिख डाला था। यह लॉबी इस खबर को लगभग हजम कर चुकी थी अगर आज मैं ना बताता, क्योंकि यह खबर ना इनके फंडे में है और ना ही इनके एजेंडे में है। यह खबर इस लॉबी के नैरेटिव बनाने वाली प्लानिंग पर भी खरी नहीं उतरती।
ऐसे ही एक और खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आई है, जहां एक क्रिश्चियन स्कूल में गर्ल स्टूडेंट पर टीका लगाने कलावा कड़ा और ताबीज पहनने पर रोक लगा दी गई। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करने देता। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, क्या किसी सेकुलर के सूरमा ने आपको मुजफ्फरनगर की तरह इन खबरों के बारे में ढोल पीट पीट कर बताया, कोई हैशटैग चलाया? आपका जवाब है नहीं। व्यूअर्स, हाल ही में एक किताब आई है जिसका नाम है नरेटिव द मायाजाल। इस किताब में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है और समझाया गया है कि कैसे हमारे देश में माहौल बनाने के लिए एक तरफा और सिलेक्टिव आउटरेज खड़े करने की एक बड़ी कोशिश होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि नरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो एजेंडाधारी है ना, ये अपने एजेंडे से चलते हैं, ये उस एजेंडे से चलते हैं जो इसे इन्हें सूट करता है, लेकिन देश का एजेंडा कुछ और है।